जेबी की बोर्ड बैठक आज वित्त मंत्री अरुण जेटली बैठक में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के मुताबिक सख्त हो सकते हैं मर्जर और अधिग्रहण नियम। विजय माल्या के भागने पर सीबीआई की सफाई, कहा गलती से जारी हुआ डिटेंशन के मांग वाला पहला लुकआउट नोटिस। डीआईजी और यूएसएल डील को लेकर यूनाइटेड स्पिरिट्स को सेबी का नोटिस। डील से पहले यूएसएल के शेयर को बढ़ाने का आरोप, दो हफ्तों में मांगा जवाब। टेलीकॉम कंपनियों की होगी स्पेशल ऑडिट, सरकार को 12,400 करोड़ रुपए का चूना, सीएजी की रिपोर्ट से खुलासा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने जेएसपीएल से खींचे हाथ, बड़े डिस्काउंट पर बेचे 1,000 करोड़ के शेयर। फरवरी में बेचे 890 करोड़ के शेयर। रेटिंग डिफॉल्ट कैटेगरी होने से आईसीआईसीआई की भी चिंता बढ़ी। बिल बचाकर बिल के पैसे से खरीदो पंखे, इलेक्ट्रिक बिल कम करने का ऊर्जा मंत्रालय का ऑफर। ईएमआई में कन्वर्ट हो गए एनर्जी एफिशिएंट पंखे से कम हुआ बिल। विटारा ब्रेजर की लॉन्चिंग की साइड इफेक्ट, फोर्ड ने लगभग 1,25,000 तक हटाए इको स्पोर्ट्स के दाम, पेट्रोल डीजल दोनों वेरिएंट्स के दाम में कमी। पीएम मोदी आज पटना में गंगा नदी पर बने दीघा रेलवे पुल का करेंगे उद्घाटन, साथ ही पटना लखनऊ रेल सेवा की भी करेंगे शुरुआत। पहली बार शुरू हो रही है रेल सेवा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने की इंडिया फर्स्ट मुहिम की शुरुआत, मार्च में बीजेपी जेएनयू का बताएगी सच, पूरे देश में निकाला जाएगा तिरंगा मार्च। दिल्ली में यमुना किनारे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का दूसरा दिन कल दिया गया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। फेस्टिवल में जुटे